हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे खूबसूरत से विंटर फ्लावर मैरीगोल्ड, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस टाइम। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एशियाटिक लिली पे, और ये मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर है आपका, बल्बियस प्लांट का फ्लावर जो है। मुझे जो दोस्तों, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे बल्ब में ना जो सबसे खूबसूरत फूल होते हैं वो मुझे एशियाटिक लिली ही लगते हैं। और लास्ट ईयर भी मैंने इनको काफ़ी ज़्यादा लगाया हुआ था और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, मैंने जैसा कि कल आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, ये मैंने अपने प्लांट जो हैं यहाँ पर रख लिए हैं हर श्रृंगार के। तो चलिए, आज का जो हम बात करेंगे, आज हम जो बात करेंगे बिल्कुल अपने एशियाटिक लिली पर ही बात करेंगे। तो देखिए, ये हैं एशियाटिक लिली के बल्ब। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने अभी जल्दी ही लिया है, तो आपको भी बिल्कुल ये नर्सरीज में मिल रहे होंगे, या फिर अब हो सकता है कि ये आपको अब पॉली बैग्स में भी मिल रहे होंगे, तो उनके रेट थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 30 रुपीज़ के हैं, 30 रुपीज़ ईच, बिल्कुल कलर के हिसाब से है। ये 5 कलर के आते हैं, तो ये 5ों कलर के डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। तो ये देख रहे हैं, तो बिल्कुल इनमें देखिए बिल्कुल स्प्राउटिंग हो चुकी है, और जैसे ही अभी आपको वाइट दिख रहे हैं, आप इनको सॉइल में लगाएंगे, विद इन 1 वीक में ये बिल्कुल ग्रीन होके बिल्कुल बाहर से आ जाएंगे। तो मैंने कुछ की प्लांटिंग कर ली है, पर उस समय मैं वीडियो बना नहीं पाई, तो अब मैं इनकी प्लांटिंग कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा गैपिंग भी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप एक साथ ही सारे प्लांट को लगा देंगे तो वो एक साथ ही लगभग ब्लूम कर जाते हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा 1 मंथ के अंतराल पे लगा रही हूँ, जैसे ये थोड़ा सा 1 मंथ लेट ब्लूमिंग करें। तो देखिए, मैंने ये 12 इंच का गमला लिया हुआ है, ये देखिए, और ये मैं 5ों ही इसी में लगा दूंगी, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं बिल्कुल एक स्टिक में जाते हैं, और इस पर 5 फ्लावर दोस्तों, जो मैक्सिमम फ्लावर्स होते हैं एक बल्ब पे 5 फ्लावर आते हैं, और अगर आप इनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो हो सकता है वो 3 फ्लावरिंग भी करें। तो ये तो बात हो गई इनकी फ्लावरिंग की। तो सॉइल जो अब हमको लेनी है, मैं फिर से वही बता रही हूँ जो मैं हमेशा ही लेती हूँ। तो देखिए, अभी मैंने प्लांटिंग वगैरह की है तो मेरे हाथ कितने गंदे हो रखे हैं। तो और मुझे ग्लव्स दोस्तों, बिल्कुल अगर मैं ग्लव्स लगा लेती हूँ ना तो बिल्कुल मैं काम नहीं कर पाती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि ग्लव्स लगा के करिए, तो फ्रेंड्स मैं ग्लव्स लगा के बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाती हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ बंद से गए हैं। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही काम करना पसंद करती हूँ, बिल्कुल हाथ से जब मट्टी को छूती हूँ तो अलग ही फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, ये 5ों को मैं इसी में लगाने वाली हूँ, और अगर आप ऐसे बल्ब आपकी नर्सरी में नहीं मिल रहे हैं तो आपको पॉली बैग्स में मिल जाएंगे, उनके रेट 80 रुपीज़ तक हो सकते हैं, अगर वो प्लांट थोड़े बड़े हो गए हैं तो। बिल्कुल अब इसको ऐसे लगा लीजिए, जैसे सारे बल्ब्स लगते हैं वैसे ही इनको लगाना होता है। और इनकी फ्लावरिंग का समय दोस्तों दिसंबर से स्टार्ट होता है, और जो है अप्रैल तक ये ब्लूमिंग करते हैं। मेरे यहाँ लास्ट ईयर जो है इसने ब्लूमिंग जो है, मैंने मतलब काफ़ी लेट लगाया था, तो ये इन्होंने अप्रैल तक ब्लूमिंग करी थी। मैं वेट करती रही और इन्होंने बिल्कुल अप्रैल में जाके ब्लूमिंग किया था, तो ये बिल्कुल अप्रैल तक आपके यहाँ ब्लूमिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, इनको फर्टिलाइज़र जो है बिल्कुल रिच फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि ये एक साथ ही जो भी आपके एक बार यहाँ पे जो है कलियाँ बन गई उसके बाद में नहीं बनने वाली, इसलिए जब भी आप सॉइल तैयार करिए तो इस रिच सॉइल तैयार करिए, जिससे इनको तुरंत ही अपना खाना जो है मिल सके। क्योंकि ये लगाते ही इनका जो है ना बर्ड्स कितने आने हैं ये इस बात पे डिपेंड कर जाता है। जैसे ही आप ये फ्लावर लगाएंगे, 4-5 लीप्स आएंगे, उसमें आपको छोटे छोटे से जो है बर्ड्स नज़र आने लगेंगे। तो बिल्कुल आप इसको रिच सॉइल प्रोवाइड कराइए। तो देखिए, अब मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ, और आपको इतना इतना इनको सॉइल में दबाना होता है। तो ये देखिए, बिल्कुल आप इसको ऐसे रख लीजिए। तो मैं 5ों कलर को जब ये एक साथ ब्लूम करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो ये वाला लेट में ब्लूम करेगा, क्योंकि इसके अंकुरण होने हुए बहुत कम टाइम हुआ है, और सबसे पहले ब्लूमिंग ये कर सकता है या फिर ये कर सकता है। तो जब भी आप बल्ब लें, जैसे एशियाटिक लिली का ही नहीं वैसे कोई भी बल्ब, तो आप ये बात का ध्यान रखें, ये पिलपिला नहीं होना चाहिए, या इसमें कोई भी जो है पिलपिला ना हो। जैसे कभी कभी दबाने पर ना बल्ब थोड़े से सौगी से लगते हैं, वो नहीं होनी चाहिए इसमें। तो बिल्कुल आप इसको ऐसे रख लीजिए, प्लेस कर लीजिए, और इसके ऊपर से सॉइल को रख लीजिए।
और बिल्कुल आप एक बात का इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर इसका ये क्राउन टूटा जैसे आपने प्लांटिंग करते समय या किसी के हाथ से ही, और एक बल्ब मेरा जो छोटा बेटा है ना उसने, बेटे ने मेरा एक जो मैंने पहले लगा के रखा था 1 मंथ, उसने इसको ऐसे करके तोड़ दिया है। अब वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा दोस्तों, वो नीचे नीचे ही बल्ब्स को डबल कर देगा पर वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो एक बल्ब मेरा उसने ख़राब कर दिया है, तो मुझे ये लगाना नहीं था जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लगा चुका है। तो ये बिल्कुल मैंने आपको लगाने के लिए ही ऐसे ये लगाया है। तो ये देखिए बिल्कुल आप इसको एक ये ऐसे, और इसके ऊपर से सॉइल डाल दीजिए। और पानी का आपको इसमें खास ख्याल रखना है, मैं जैसे आपको बल्ब बताती हूँ, जो भी बल्ब वाले प्लांट होते हैं दोस्तों उनको पानी से ही बस बचाना होता है, क्योंकि उसमें जो है ना रूट रॉट ही होता है, मरने के चांसेस उनके रूट रॉट से ही होते हैं, तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिए। तो ये देखिए ऐसे आपको सॉइल से दबा देना है इनको, और प्रेस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही रूट्स को पकड़ लेंगे, रूट्स जो है सॉइल को पकड़ लेगी। तो देखिए बिल्कुल ये तैयार हो गए हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत। मेरा बल्ब वाले प्लांट का सबसे खूबसूरत फ्लावर अगर मुझे कोई पसंद है बल्ब में, तो ये मुझे एशियाटिक लिली ही पसंद है। तो अगर ये कोई तिरछा हो रहा है तो बिल्कुल आप उसको बल्ब को थोड़ा सा सॉइल से सीधा कर दीजिए, क्योंकि अगर आप तिरछा लगाएंगे तो वो जो है ना ऐसे ही निकलेगी, तो वो उतने खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो जितना हो सके आप सीधा रखने की कोशिश करिए, ये देखिए सॉइल से आप ऐसे सीधा कर दीजिए, और तो सारे सीधे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी दे देंगे, और नेक्स्ट पानी तभी देंगे हम इसमें जब तक सॉइल ऊपर से ड्राई नहीं हो जाएगी। तो बिल्कुल आपका 1 वीक में आप देखेंगे कि बिल्कुल ग्रीन ग्रीन से लीव्स लिए हुए बाहर आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिल्कुल आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में जगह दीजिए, और बहुत ही खूबसूरत होता है ये प्लांट। और ये दोस्तों अगर आप बचा पाते हैं तो ये बिल्कुल जहाँ पे लगाए रहिए वहाँ पे अगर आप इसको लगा रहने देते हैं तो ये ग्रीनरी समर्स में भी आपके ऐड करता, बस ये जाके मर जाते हैं आपके रेनी सीजन में। बल्ब जैसा कि मैंने बताया रूट रॉट से ही मरते हैं, तो बारिशों में ही इनके बल्ब जो हैं मर जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ में, अच्छी सी मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसी के साथ में मैं वीडियो का एंड करती हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी मिलूंगी। ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।